30-35 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन ये सेशन आपको बहुत कुछ सिखाएगा और एकदम ध्यान से इसलिए अटेंड करना है। सीखोगे ना, सीखोगे तो हर जगह काम आएगा, हर जगह आपके काम में, आपके बिजनेस में, जहां भी जो भी कर रहे हो ना, उस जगह काम आएगा। और सबसे ज्यादा काम आएगा DMPL में बड़ा इनकम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? ई फॉर्मूला। जी हाँ, आज एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ई ई एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके अर्निंग को बढ़ाने वाला है, आपके कमाई को DMPL में बढ़ाने वाला है, और जिस जगह काम करते हो वहां भी आपका इनकम बढ़ेगा, ऐसा रहेगा। ऐसा सेशन है जिस काम को कर रहे हो ना प्रोफेशनली, ठीक है, आप जिस भी काम को कर रहे हो, नौकरी, जॉब, बिजनेस, जो भी कर रहे हो, उस काम में भी आपका ये ट्रेनिंग फायदा करेगा, आपको उस काम के लिए भी सिखाएगा, और साथ ही साथ DMPL में बिग अर्निंग, बड़ा पैसा कमाने का मौका देगा ये ई फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, ई फॉर्मूला फॉर बिग अर्निंग, बड़ा कमाई करने के लिए ई फॉर्मूला है। किसमें? DMPL बिजनेस में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा फॉर्मूला आपको मैं देने जा रहा हूँ, एकदम पता है आप सब कुछ, सब के सब ना इस फॉर्मूले को जानते होंगे, ठीक है, लेकिन आज मानेंगे भी और समझेंगे। हो सकता है आप पहले जानते हैं, लेकिन आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ ये क्या ही फॉर्मूला है। क्या बात है, जबरदस्त! काफी सारे लोग वीडियो ऑन करके सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं, डायरी और पेन लेकर भी बैठे हुए हैं, क्या बात है! और एक्साइटमेंट तो पूछो मत, अलग लेवल का दिख रहा है सबके चेहरे में, ठीक है। और यूट्यूब में लाइव नहीं होगा तो गलती से भी, भूल कर भी लेफ्ट ना हो जाना, नेटवर्क में रहना, ठीक है। और एक भी चीज आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। आगे और एक बड़ा बड़ा गुड न्यूज है जो आपको बताऊंगा लास्ट में। आपको एक गुड न्यूज तो मिल गया, जिम कार्बेट नैनीताल जाने का, फ्री में जाने का मौका, और आगे और एक जबरदस्त चीज बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले आपको मैं प्रयास करूंगा, जो मैंने यहाँ पर फील किया है, जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया, जो हमने सीखा है, बहुत सारे लोग इसी फॉर्मूले से काम करके आज बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए, तैयार हैं? तैयार हैं, रिएक्शन करेंगे थम का? तैयार हैं दिलीप कुमार जी, संजीत जी, क्या बात है! मोहनी मैडम, प्रकाश चंद्र नायक सर, क्या बात है! बढ़िया बढ़िया रिएक्ट कर रहे हैं। नारायण कुशराम सर, वेरी गुड। चलिए, ऐसे रिएक्शन बना कर रखेंगे, मजा आने वाला है, क्या बात है! देवचंद नाग सर, क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो ई फॉर्मूला में पहला ई है, इस बिजनेस में होता है हमारा एंट्री। जी दोस्तों, आप जब कोई भी काम कर रहे थे तो आपको एक प्लेटफॉर्म का पता चला, उस काम के साथ साथ आपको बोला गया है कैसा रहेगा, कि आपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम 1-2 घंटे लगा के ऑनलाइन मोबाइल से काम करके महीने का 10 से 15 हज़ार कमाए तो अच्छा रहेगा। तो आपका आपने उस समय डिसीजन लिया इस काम को करने का, कि वाकई में यार मेरे अंदर, और मजे की बात क्या है पता है, आप लोग के ऊपर ना भगवान की विशेष कृपा है, आपके खुदा के, आपके वाहे गुरु, आपके अल्लाह के विशेष, आपके आपके ऊपर अनुग्रह है कि आपको ये शानदार जबरदस्त इन्फॉर्मेशन मिला, किसी के भी थ्रू मिला होगा, ठीक है। क्यों असीम कृपा है? क्योंकि यहाँ खोने को कुछ नहीं है और होने को बहुत कुछ है। और दोस्तों, जब आपने सोचा कि यार वाकई में मुझे अपने परिवार के जिंदगी को बदलने की जरूरत है, मैं वैसी जिंदगी जी नहीं पा रहा हूँ, या जी नहीं पा रही हूँ जैसा जीना चाहिए, ठीक है, मुझे अपने लाइफ में बदलाव की जरूरत है, और आपने डिसीजन लिया और आपका एंट्री हो गया इस प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है DMPL, DK मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सपनों की चाबी। जी हाँ दोस्तों, और मजे की बात क्या है पता है, और यही इस बिजनेस का पावर है, और यही इंटरेस्टिंग बात इस बिजनेस का, यहाँ पर एंट्री क्या है? टोटली फ्री। जी हाँ दोस्तों, आप फ्री में एंट्री किए हो इस बिजनेस में, आपको पता है ना, ठीक है, आप पैसा थोड़ी लगाए हो। अगर आप गलती से भी सोच रहे होंगे तो गलती से भी गलत ना सोचे कि आपने यहाँ पर 3 हज़ार दिया है करके, नो, आपका एंट्री फ्री में हुआ है। लेकिन क्या है ना, हमारे महात्माओं का क्या है, हमारे देशवासियों का, और मैक्सिमम ह्यूमन नेचर क्या है, फ्री की चीज का इज्जत नहीं होता है। हवा फ्री मिलता है, कोई इज्जत नहीं है, पानी फ्री मिलता है, कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें फ्री मिलता है इज्जत नहीं होता, लेकिन जितने भी चीजें फ्री मिलता है उन सारी चीजों में बहुत पावर होता है। हवा के बिना आप कितने दिन रह पाओगे, पानी के बिना कितने दिन रह पाओगे, पता है ना? तो जो फ्री मिलता है ना, उसी में ज्यादा पावर है। तो वैसा ही ये DMPL है दोस्तों, ये भी आपको फ्री मिला है ना, तो इसमें बहुत पावर है। ऐसा पावर है कि आने वाले 3 से 4 साल में आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, छोटे से छोटे और बहुत 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 बड़े बड़े सपने पूरे होने वाले, ठीक है। तो आपका पहला ही क्या है, एंट्री। तो एंट्री आपको पूरे तन मन और धन से होना है एंट्री, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दिमाग लगाकर आ गए लेकिन कर नहीं रहे हैं, दिल लग ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये भी तकलीफ में आओगे। क्योंकि एक बात है, आप
अगर किसी काम में सफल होना चाहते हो ना, तो उस काम को दिल से करना स्टार्ट कर देना है। तो फ्री में एंट्री हो गया, आप दिल से काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं दूसरा ई। तो दूसरा ई क्या है? एम्प्टी मतलब खाली करना है अपने आप को। कई लोग के पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, जब वो इस बिजनेस में आते हैं तो आपने कई लोगों को देखा भी होगा कि बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ, मैं तो 30 मार खान हूँ, मैं तुर्रम खान हूँ, मैं तो फलाना हूँ ढिकाना हूँ। तो भाई फलाना ढिकाना 30 मार खान शक्तिमान सुपरमैन हो तो पहले क्यों नहीं कमा रहे थे? क्यों आपके पास लग्जरी कार नहीं है? क्यों आपके पास लग्जरी घर नहीं है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज मिस हो रहा है। तो जब तक आप अपने आप को ब्लैंक नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे, तब तक आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं भरने वाला, क्योंकि भरे हुए पात्र में और कुछ डाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपका एंट्री हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको अपने आप को खाली कर देना है। और जब तक आप अपने आप को ब्लैंक नहीं करोगे, खाली नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में कुछ नया चीज आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट के लिए आप लोग सब स्ट्रेट हो जाइए, कमर सीधा करके बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, बैठना है। जो लोग कौन बैठेंगे, जो लोग ना सही जगह में बैठे हैं, गाड़ी वाड़ी चला रहे होंगे तो आंख वाख बंद नहीं करना है भैया, कमर सीधा करेंगे जल्दी। अब अपने आप को दूसरे ई की ओर लेकर चलते हैं। पहला ई क्या है? हमारी एंट्री हो गई है। अब बैठे हुए लोग जो शांत माहौल में बैठे, कमर सीधा करेंगे, आंख बंद कर लो। ठीक है, आंख बंद कर लो, आंख बंद करो, कमर सीधा करो। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, आंख बंद करो। अनिल कुमार जी, आंख बंद करना है और आंख खोल कर नहीं देखना है। टुकुर टुकुर, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए। वेरी गुड, आंखें बंद करो जी, मरकाम महोदय, आंखें बंद करो। खड़े खड़े आंख बंद नहीं करना, बैठ जाओ, बलराम पटेल सर बैठ जाओ। चलिए, कमर सीधा करो, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लो। संजय कुमार जी, अभी कोई कस्टमर नहीं दुकान में, तो आंख बंद कर सकते हो आप। क्या बात है, लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। हेमलाल पटेल सर, करो जी करो, ये सब आज तक नहीं किए हो ना, बोलते हैं ना, आज तक जो करते आ रहे हो उसी करते रहोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आ रहा है। कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। फेकन सिन्हा जी, आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लीजिए। हाँ, धीरे धीरे सांस छोड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। वेरी गुड, मन शांत, मन शांत, आराम से धीरे धीरे पूरा ध्यान श्वासों पर। हेमलाल जी, ठीक है, सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता बॉस, कर्म करना पड़ेगा। पूरा ध्यान श्वासों पर। सुभाष जी, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लीजिए, क्लोज योर आइज एंड टेक डीप ब्रीथ। ईश्वर पटेल सर, लंबी गहरी सांस लीजिए, आंख खोल के नहीं देखना है, हिरवानी मैडम। चलो, वेरी गुड, पूरा ध्यान श्वासों पर और अपने आप को पूरा खाली कर दीजिए। अब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं, एकदम खाली है अपन। ठीक है, और एक बार विजुलाइज करके देखिए कि आज आपके सारे सपने, कौन कौन सा सपना है, कौन सा कार आप चाहते हो, कौन सा घर आप चाहते हो, किस तरीके का घर चाहते हो, सारी चीजें आपके पूरे हो रहे हैं। ठीक है, एक बार शांत मन से अपने भगवान को याद करते हुए, अपने खुदा को याद करते हुए, अपने गॉड को याद करते हुए, अपने ईश्वर को, अपने मालिक को, जिसको भी मानते हो उसको याद करते हुए, दिल की गहराइयों से धन्यवाद बोलिए कि इतना शानदार जिंदगी दिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे भगवान, मेरे मालिक, मेरे खुदा, मेरे वाहेगुरु, मेरे अल्लाह, कितना जबरदस्त जिंदगी दी हो मेरे। ठीक है, भुवन ठाकुर सर, आंखें बंद करें। वेरी गुड, क्या जिंदगी मिला हुआ है, उसके लिए दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच बोलिए अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, शादी हो गई तो अपने वाइफ को, और आप शादी हुई तो आपके हस्बैंड को, सबको दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच बोलिए। और थैंक यू सो मच बोलिए अपने बच्चे लोग को कि उनके कारण कितना शानदार जिंदगी है, कितना घर में किलकारी मस्त रहता है, घर का माहौल। दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच बोलिए। अपने सारे दोस्तों को धन्यवाद दीजिए और दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच बोलिए। आंखें बंद करके बोलेंगे, बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, ये दिखने में करने में भले आपको छोटा लग रहा है, लेकिन इतना पावर है इसके अंदर। जब आखिरी में आंख खोलोगे, दिल से कर रहे होगे, तो आंख खोलने के बाद इतना रिलैक्स फील होगा, पूरा खाली हो जाएगा दिमाग। और दिल की गहराइयों से धन्यवाद दीजिए वो शख्स को जो है आपको इस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया, इतना पावन, इतना पावरफुल इंडस्ट्री,
इतना शानदार काम जहां पर खोने को कुछ नहीं और होने को बहुत कुछ है। तो ऐसे शानदार काम के बारे में जिन्होंने बताया उनको दिल की गहराई से धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना उस शख्सियत को जिन्होंने आपको डीएमपीएल बताया है। जी हाँ दोस्तों, प्लेटफॉर्म तो बहुत है इस इंडस्ट्री में, लेकिन डीएमपीएल जैसा कुछ नहीं है, डीएमपीएल जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि डीएमपीएल है तो ही सब आसान है। दिल की गहराई से डीएमपीएल बताने वाले शख्स को दिल की गहराई से धन्यवाद। चलिए अब लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं एकदम मुस्कुराते हुए, ठीक है, वेरी गुड, मुस्कुराते हुए आंख खोलेंगे, और जो लोग नहीं किए हैं उनको फिर अल्लाह मालिक है, भगवान मालिक है भैया, ठीक है। याद रखना यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं सेकंड ईयर में आया हूँ, अभी पहला ही क्या था, आपकी इंट्री हो गई है, लेकिन दूसरा ही, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर शर्म रहेगा, ठीक है, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। बेशरम लोग ही इतिहास रचते हैं, देख लो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी अरे सेलिब्रिटी लोग को शर्म नहीं आता यार, क्या क्या चीज नहीं बेच देते, साबुन तेल चाय पत्ती पता नहीं क्या क्या नहीं बेच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या नहीं बेच रहे हैं पैसे के लिए, और हमारे पास 1 लाख रुपए अकाउंट में नहीं है, और अपन शर्म मर रहे हैं, ठीक है। तो संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं फिर आने वाला भविष्य आपका जो परिवार है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले ई में, तो आज का पूरा फॉर्मूला ही है ई, ठीक है। तो अपन ई अगले ई की ओर चलते हैं। तो हमने पहला ही जाना कि हमारी एंट्री हो गई इस प्लेटफॉर्म में, उसके बाद हमने अपने आप को पूरे तरीके से खाली कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा खाली कर लिए होंगे तो आज बहुत फायदा मिलने वाला है आपको इस सेशन से, ठीक है। आगे चलते हैं, जब हमारा पूरा दिमाग पूरा खाली हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज, लक्ष्य। जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया और अपने आप को जब आपने ब्लैंक कर लिया, तो आज के आज आपको क्या करना है, लक्ष्य लक्ष्य निर्धारित करना है, गोल सेट करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। जी हाँ, क्या करना चाहते हो, क्यों जिंदा हो आखिर, सोच कर देखो क्यों जिंदा हो, बस खाने पीने और सोने के लिए। सोच कर देखो यार, खाने पीने और सोने से जिंदगी नहीं बदलती, ये काम तो जानवर तक भी करते हैं, खाने पीने और सोने का काम क्या जानवर नहीं करते क्या, जानवर तक करते हैं यार। क्या हम उस कैटेगरी के हैं कि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, बिना मकसद के जी रहे हैं, बिना कारण के जिंदगी जी रहे हैं। तो बहुत जरूरी है दोस्तों आपका लक्ष्य, क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ अदरवाइज मत लीजिएगा, और आपको हर्ट होना चाहिए अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो, जो मैं आगे बोलने वाला हूँ। क्या दोस्तों, कहा जाता है बिना डोर की पतंग। जी हाँ, बिना डोर की पतंग, जो मैं बोलने वाला हूँ आपको, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं होगा ना, तो आपको हर्ट होना चाहिए, और हर्ट नहीं हो रहा है मतलब आप टाइम पास कर रहे हो इस बिजनेस में। छोड़ दो इस बिजनेस को आज के आज, क्योंकि खोए खोने का कुछ है ही नहीं, क्या लगाए हो, कुछ तो लगाया नहीं हो। लेकिन अगर आपको हर्ट हो रहा है ना, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने आप को सुधारने की, और हर्ट हो रहा है मतलब आप बिजनेस को लेकर सिंसियर हैं। कहा जाता है बिना डोर की पतंग और बिना लक्ष्य का इंसान क्या है। जी हाँ, जिसके जिस पतंग में डोर नहीं है ना, और जिस आदमी के लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, जिस इंसान के लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, क्या है पता है वो, ये है कचरा, है कचरा। जी हाँ दोस्तों, बिना डोर की पतंग और बिना लक्ष्य का इंसान कचरा है। तो अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, तो फिर आप क्या हो, आप खुद ही समझ जाओ भैया, ठीक है। और अपन को कचरा नहीं बनना है यार, भगवान आपको कचरा नहीं बनाना चाहता, इसलिए तो आपको डीएमपीएल दे दिए हैं। नहीं तो आज तो हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या आपको मिला है, मतलब आप कितने खुशकिस्मत हो, भगवान की आपके खुदा की असीम कृपा हुई तब आपको मिला हुआ है, और अभी भी नहीं समझ पाए ना, फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और अपन आखिरी में क्या बन जाएंगे, फिर आप खुद ही समझ जाओ भैया, कचरा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज के आज अपना लक्ष्य डिसाइड करना है, उसके बाद ये लिस्ट बनाना है। जी हाँ, जब आप पूरा अपने आप को खाली करेंगे, तभी आपके साथ ये दोनों चीजें होगा। जब तक आप दिमाग लगाएंगे ज्यादा कि यार मैं लिखूंगा वो होगा कि नहीं होगा, मैं लिखूंगा वो मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, कमा पाऊंगी कि नहीं कमा पाऊंगी, मैं महीने का 8 से 10 हज़ार इस बिजनेस से आएगा कि नहीं आएगा, जब तक आप अपने आप को ऐसा दिमाग लगाते रहेंगे, खाली नहीं करेंगे, तब तक आप लक्ष्य डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे लक्ष्य। हाँ, लेकिन भरोसा हो जाएगा ना, विश्वास हो जाएगा ना, तो आप जरूर लिखोगे। उसके बाद है लिस्ट में, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे, दिमाग लगाते रहोगे कि इसको बताऊंगा तो ये करेगा, इसको बताऊंगा तो ये नहीं करेगा, जब आप तक दिमाग लगाते रहेंगे ना, तब तक आप लिस्ट नहीं बना पाओगे। तो दिमाग लगाने का नहीं है, आपको क्या कहा जा रहा है, 200 लोगों के नामों की सूची को तैयार करना, दिमाग को खाली करना है। एंट्री हो गई है, अब एंट्री के बाद आपको क्या करना है, एम्प्टी करना है, अपने दिमाग को खाली करना है। खाली करने के बाद आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करना है और दिमाग नहीं लगाना है,
आपको जो चाहिए लिख दो, ठीक है, जो चाहिए लिख दो, लिखोगे तो मिलेगा। उसके बाद जिनका नाम आपको पता है आपके मोबाइल लिस्ट में, आपके परिचय में, जो भी व्यक्ति को आप जानते हो उनका नाम लिखना है। किनका नाम लिखना है? जिनको क्या चाहिए? बेहतर स्वास्थ्य और पैसा। तो दुनिया का कोई आदमी नहीं जिसको ये दो चीज नहीं चाहिए, कोई भी आदमी नहीं दुनिया में जो ये दो चीज नहीं चाहता। मतलब हर व्यक्ति जिसको आप जानते हो ना, उसका नाम लिखना है। मैंने क्या कहा? जब तक आप खाली नहीं करोगे, जब तक आप दिमाग लगाते रहोगे कि ये करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगी कि नहीं करेगी, ये छोटा है ये काला है ये गोरा है ये मोटा है ये पतला है, ऐसा दिमाग लगाते रहोगे ना, तब तक आप इस बिजनेस में लिस्ट नहीं बना पाओगे, और लिस्ट नहीं बना पाओगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो खाली करने के बाद आज ही आज अपने दिमाग को खाली करना है, ठीक है, और एकदम मस्त मस्त चीजें डालना है, अपना लक्ष्य डालना है, लोगों के नामों की सूची तैयार करना है। उसके बाद अब आता है एजुकेशन, तीसरा ही है एजुकेशन। पहले ही क्या था, आपने एंट्री किया इस बिजनेस में, आपका आगमन हो गया इस बिजनेस में, उसके बाद आपने इस बिजनेस में अपने आप को खाली कर दिया। पिछला क्या जानते थे, क्या एक्सपीरियंस है? कुछ नहीं भैया, जो सिस्टम बताएगा उसी करना है, ठीक है। इसी सिस्टम को फॉलो करके आज लोग काफी पैसा कमा रहे हैं, बड़ा बड़ा इनकम ले रहे हैं। अब आता है एजुकेशन, क्योंकि दोस्तों अभी आपको लक्ष्य बनाने के लिए कोई ज्यादा तामझाम, आपको पता है ना यार, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए जिंदगी में, लिखना है उसको, लिस्ट बना लोगे लोगों का नाम। लेकिन अब आता है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब क्या? शिक्षा। आपको इस बिजनेस में सीखना पड़ेगा, पुराना क्या जानते थे सारी चीजें भूलकर आपको इस सिस्टम के हिसाब से, इस डीएमपील प्लेटफॉर्म के हिसाब से, इस क्रेटिया सिस्टम के हिसाब से आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। और एजुकेशन में पहला चीज क्या है कि लोगों का जो आपने नाम लिखा है, जी हाँ, जो जितने लोगों का आपने 200 लोगों का नाम लिखा है, उन लोगों को क्या करना है? ठीक है भाई, नाम तो लिख लिया अपन, लक्ष्य बना लिए, अब क्या करना है? अब आता है दोस्तों बारी एजुकेशन, सीखने की बारी आती है कि उन लोगों के नामों की सूची को क्या करना है। तो सिंपल सा काम है दोस्तों, डायरेक्ट कॉल करके शाम 6 बजे के जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। क्या करना है? ठीक है, अब एजुकेशन लेना है, सीखना है कि इन लोगों के नामों की सूची को क्या करना है। और यहाँ पर हाईलाइट क्या किया गया है, शाम के 6 बजे के मीटिंग में इनवाइट करना है। कई लोग इतना कलाकार है ना, कई लोग इतना कलाकार है जिनको बिजनेस पता नहीं, उनको 8 बजे ट्रेनिंग में ज्वाइन करा लेते हैं। एक से कलाकार है भाई मार्केट में। अब शाम को 6 बजे अटेंड नहीं कर पाए भाई, एक काम कर 8 बजे अटेंड कर ले भाई, उसको कुछ पता ही नहीं, वो आएगा फिर वो देखेगा ये क्या स्वागत हो रहा है, ये क्या क्या बता रहा है, समझ नहीं आ रहा है, फिर उसको लगेगा अरे फालतू काम है ये, लेंदी प्रोसेस है भाई, पहले काम को समझ ले। इसलिए हाईलाइट किया गया है कि पहले शाम के 6 बजे की मीटिंग में इनवाइट करना है, जिनको आप पहली लिस्ट बनाए हो उनको। जब तक वो आपके साथ इस काम को चालू नहीं करता, तब तक आपको 8 बजे ट्रेनिंग नहीं सुनाना है। तो हमारे तो अलग अलग कलाकार लोग बैठे हैं, और इसी कारण लोग फेल हो रहे हैं, इसी कारण लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। नहीं तो इस बिजनेस में रखा क्या है यार, बढ़ाना बस तो है, इससे आसान काम क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर भी लोगों को पैसा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अपना दिमाग लगा रहे हैं, खाली नहीं कर पा रहे हैं ना अपने आप को। ठीक है, तो वेल एजुकेशन लेना है, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉल करके आपको 6 बजे मीटिंग में इन्वाइट करना है। और डायरेक्ट कॉल करने के लिए क्या है भैया, ये इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र, इसका इस्तेमाल करना है, और इसी को सीखना है, इसी का एजुकेशन लेना है। कहाँ लेना है? हमारे डीएमपीएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, और वहां पर आप जाएंगे तो आपको यूट्यूब में मिलेगा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो है वो हमारे चैनल का, ठीक है, 1.5 लाख से ज्यादा बार, 1,80,000 कुछ ऐसा, 1.5 लाख से ज्यादा बार उसको देखा जा चुका है, ठीक है। ऐसा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हमारा यूट्यूब का वीडियो है, डीएमपीएल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का, जिसमें आपको क्या करना है, डीएमपीएल में इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र, और वो क्या है ये, कैसा रहेगा, जी हाँ दोस्तों कैसा रहेगा, लगाना है और खूब सारा पैसा कमाना है। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को एजुकेट होना है, सीखना है, तीसरा ई को फॉलो करना है। और याद रखना, एक भी ई अगर आप मिस कर गए, अगर आप इस बिजनेस में एंट्री नहीं किए हैं, कोई आपके बिजनेस में एंट्री ही नहीं किया है, तो उसको कितना भी एजुकेट करो कोई मतलब नहीं है भाई, उसका एंट्री हुआ च नहीं है। उसके बाद एंट्री हो गया लेकिन अपने आप को खाली नहीं कर पा रहे हैं, एकदम दिमाग लगा रहे, पास्ट एक्सपीरियंस को बार बार ला रहे हैं, मैं तो इससे ज्यादा जानता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ये जानता हूँ वो जानता हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, तो समझ जाना वो बड़ा काम नहीं कर पाएगा और पैसा नहीं कमाने वाला। उसके बाद एजुकेशन लेना है एकदम सिस्टमेटिक, जो हमारे सिस्टम में सिखाया जाता है, क्योंकि इस सिस्टम में उसी का एजुकेशन लेना है, और उसी एजुकेशन से आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। उसके बाद दोस्तों अब बारी आती है चौथे ई की, जी हाँ, जब आप कैसा रहेगा लगाना सीख जाएंगे ना, तब मजा क्या आने वाला है पता है? ये आने वाला है एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम भी होगा। पता है जब आप पढ़ाई करते हैं तो पहले क्या होता है, पहली क्लास में एंट्री होता है, उसके बाद क्या होता है, अपने कुछ आता ही नहीं, खाली रहते हैं ना, ठीक है, अपने कुछ आता है क्या, पहली क्लास में जाते हैं खाली रहते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, सीखते हैं, लेकिन सीखने बस नहीं होगा भैया, एग्जाम भी होगा, तब
तभी पता चलेगा आप फेल होगे कि आप पास होगे करके। उसके लिए क्या लिया जाता है, परीक्षा होता है। और परीक्षा मतलब क्या होता है, पर इच्छा, दूसरे के इच्छा से आप, आपको जो मिलता है ना वो है परीक्षा, दूसरे की इच्छा से आपको चलना पड़ेगा। तो दूसरा की इच्छा क्या है पता है, अभी मैं बताता हूँ। आपने एजुकेशन ले लिया, कैसा रहेगा लगाना सीख गए, लेकिन अब बारी आती है परीक्षा की घड़ी, और यहीं पर लोगों का तेल निकलता है फिर अच्छे से। ठीक है, तो आपने को भैया इसी को समझना है। तो परीक्षा क्या होता है, जब आप लोगों को कैसा रहेगा लगाते हैं ना, तब आपके पास आता है रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, लोग रिएक्ट करते हैं। जी हाँ, लोग रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनको क्या है, पास्ट पास्ट वाला बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ को भी फूक फूक के पीता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, वो जो दूध का जला व्यक्ति छाछ को फूक कर पी रहा है ना, वो बेवकूफ है। क्योंकि भैया छाछ तो ठंडा रहता है ना, तो उसको बताना है छाछ ठंडा है करके। ठीक है, तो उसके अंदर जो अज्ञानता है, उसके अंदर जो अज्ञानता है कि यार भैया छाछ ठंडा रहता है, उसको फूक के नहीं पीना है करके, उसको साफ करना है, निकालना है, दिखाना है कि छाछ ठंडा है करके, नहीं तो वो छाछ को भी फूक फूक कर पिएगा फिर। ठीक है, तो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो ये रिएक्शन से आपका एग्जाम होता है। आप एग्जाम की घड़ी मार चुके हो, एग्जाम का समय चालू हो चुका है, आपको एग्जाम लिया जा रहा है। तो जब आप लोगों को बोलोगे कैसा रहेगा अपने मोबाइल से ऑनलाइन काम करके, अपने वर्तमान काम को बिना डिस्टर्ब किए महीने का 8 से 10 हज़ार कमाया जा सकता है, तो रिएक्शन करेगा व्यक्ति। तो रिएक्शन दो तरीके से हो सकता है। पहले रिएक्शन है निगेटिव, ठीक है, दूसरा रिएक्शन है पॉजिटिव। दो तरीके का आपको रिएक्शन मिलेगा। पॉजिटिव रिएक्शन क्या है, अच्छा रहेगा यार मुझे भी बताओ, मैं भी करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं भी पार्ट टाइम में काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ, क्या करना है मुझे बताओ। तो ये 99% पॉजिटिव रिएक्शन आता है। तो जब पॉजिटिव रिएक्शन आता है, तो दुख की बात क्या है पता है, पॉजिटिव रिएक्शन से आप सीखते ही नहीं हो। सीखते कब हो पता है, ज्यादा जब आपको निगेटिव रिएक्शन मिलता है। ठीक है, जब आप निगेटिव रिएक्शन मिलता है ना, तभी सीखोगे यार। ठीक है, सब हाव हाव बोल देगा, क्या सीखने मिलेगा, कुछ सीखने नहीं मिलेगा, सीखोगे तब पैसा कमाओगे। और निगेटिव रिएक्शन जब आएगा ना, ठीक है, निगेटिव रिएक्शन मतलब क्या, कि यार ऐसा तो नहीं है, जोड़ने जाने वाला काम है क्या, बेवकूफ बनाने वाला काम है क्या, दो कचार करने वाला काम है क्या, टोपी पहनाने वाला काम है क्या, प्रोडक्ट बेचना है क्या, ऐसा निगेटिव रिएक्शन करेंगे लोग, एक करेंगे ही करेंगे। और जब आपको निगेटिव रिएक्शन आएगा ना, तो खुश हो जाना कि अब आपको सीखने मिलेगा। ठीक है, और खुश होकर आपको रिएक्ट आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, रिएक्ट मतलब क्या, वो बोल रहा था मुझे लड़ाई कर रहे, एकदम क्लियरिफाई हम लोग क्लियर करने लगे, नहीं ऐसा है वैसा है दुनियादारी करके, तो वो रिएक्ट वाला बात हो गया। अपने को रिएक्ट थोड़ी करना है, अपने को रिस्पॉन्स करना है। और रिस्पॉन्स कैसे पता चलता है, जब आपको कोई पूछा जाता है कि यार ऐसा है क्या वैसा है क्या, तो आपको जवाब नहीं देना है। क्या बात है, मजे की बात है ना, इंटरेस्टिंग है। आपको जवाब थोड़ी देना है, आपको तो क्या करना है, ओनली सवाल पूछना है, कैसा रहेगा। ठीक है, पूछने में तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, और जवाब दोगे तो फंसोगे भैया, पहले से बताया जा रहा है, जवाब दोगे तो फंसोगे। उससे अच्छा क्या है, आसान काम है कि सवाल ही पूछ लो भैया, आपने कुछ आता थोड़ी ना है, अपन तो ब्लैंक है, खाली है, तो अपने को नहीं आता, तो अपन दूसरे से नॉलेज लेते हैं ना। तो बोलेगा ना निगेटिव रेस्पॉन्स, ऐसा है क्या ऐसा है क्या, कहीं ऐसा वाला काम तो नहीं है, टोपी पहनाने वाला काम तो नहीं है, ये करने वाला वो करने वाला, तो आपको जवाब नहीं देना है, आपको सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है, पहला सवाल वो क्या होता है, तो बोलेगा टोपी पहनाने वाला काम है क्या, ढूंढने जाने वाला काम है क्या, तो आपको वहां पर सवाल नहीं करना है, ये जवाब नहीं देना है कि नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा है यार, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। आपको कैसे करना है, वो क्या होता है, बोलेगा जोड़ने वाला काम है क्या करके, तो आपको जवाब थोड़ी देना, आप क्या पूछना है, वो क्या होता है, तो बताएगा अरे यार ऐसा होता है, मेरा चाचा जुड़ा था, मेरा भाई जुड़ा था, तो ऐसा हो गया, तो आपको कुछ नहीं बोलना है, वो क्या होता है। जब तक वो आदमी अपना नहीं बोलेगा यार बस इतना ही जानता हूं करके, तब तक आप सवाल करते ही रहो, मजा भी आता है, और सवाल करोगे ना सीखने भी मिलता है। ठीक है, और एजुकेशन का पार्ट है ये। ठीक है, और जब खाली हो जाएगा तब आपको क्या बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जी हाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक बार अटेंड करके देख लो। ठीक है, मीटिंग अटेंड करके देख लोगो, अच्छा लगेगा तो मिलकर करें, कैसा रहेगा, ऐसा बोलेंगे तो अपन। ठीक है, एकदम सिंपल सा बात है, एकदम आसान सा काम है, अपन खुद ही कठिन बनाते हैं।
अपन सवाल सवाल करते हैं ना तो अपन जवाब देने लग जाते हैं, और जवाब दोगे ना फंसोगे, और यहीं से कठिन लगेगा आपको काम। इतना सरल काम है और सवाल बस तो करना है, वो क्या होता है और क्या होता है नहीं जान रहे, बढ़िया है, बताओ भैया, जानेंगे सीखेंगे। ठीक है, आखिरी में ऐसा कुछ नहीं है, अटेंड करके देख ले भाई, जूम मीटिंग अच्छा लगेगा तो मिलकर करेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपने काम करते ही रहना। इतना सरल लगता है, आदमी अटेंड करता ही, इससे जबरदस्त पावर आता है आपके इन्विटेशन में। अब आगे चलें, पांचवा ही है, वो है एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, जब आप मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, जब आप एजुकेट हो जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आप ठीक है कॉलेज पास हुए और आपको पहले सैलरी कितना मिलता है, ज्यादा मिल जाएगा क्या? जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता, ठीक है, तब तक आपको सैलरी आपका बढ़ता नहीं है। एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? जब आप कर देंगे तब। ऐसा नहीं अपन पढ़ाई कर लिए और घर बैठे, और घर बैठ के अपन 5 साल के एक्सपीरियंस है घर बैठने का, ठीक फोन है, पे पर अब कोई जॉब ले बाईस पे क्या, वो रुपए इंटरव्यू करके मिले। बताना है एक्सपीरियंस कितने साल का है। मुझे 5 साल का है, किस चीज का? घर बैठ के मच्छर मारने का, ठीक है। तो ऐसा नहीं भैया, एक्सपीरियंस मतलब करना है, करेंगे तब एक्सपीरियंस आएगा। जब तक आप कैसा नहीं कैसा रहेगा नहीं लगाओगे, कैसे एक्सपीरियंस आएगा? जब तक लोगों के सवालों का जवाब नहीं देंगे, कैसे एक्सपीरियंस आएगा? तो ये आपको एक्सपीरियंस आएगा जब आप करते रहेंगे तो, ठीक है। तो और एक्सपीरियंस, और याद रखिए, अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता इस काम के बारे में तो और ज्यादा अच्छा बात है, आप पूरा खाली हो, जल्दी सफल हो जाओगे, ठीक है, एक्सपीरियंस है। और कहा जाता है दोस्तों, करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान, आपने सुना होगा, बार 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 अभ्यास कर से जो जड़ बुद्धि, जिसका मति जड़ रहता है, जो एकदम मंद बुद्धि रहता है, ठीक है, उसका भी क्या होता है, बुद्धि स्ट्रांग हो जाता है, वो भी बार बार अभ्यास से क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। जैसे आपको सबको एग्जाम्पल पता है, कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो कुएं का रस्सी में क्या ताकत है कि पत्थर को पिघला दे, पत्थर को घस दे, पत्थर को तोड़ दे, रस्सी में कोई ताकत है क्या? नहीं है। लेकिन क्या होता है, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, जब बार बार रस्सी उस कुएं से अंदर बाहर पानी से बाल्टी से पानी निकालते हैं ना, तो पत्थर को रस्सी क्या करता है, बार बार अभ्यास से वो पत्थर भी घिसने लगता है। तो वैसा ही बिजनेस, आपको कुछ नहीं आता, कोई टेंशन नहीं है, अभ्यास करते रहो, आप करते रहो करते रहो, आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे, इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि आप 10 में से, अभी 2 रिजल्ट हम लोग बताते हैं T20 में, एक ऐसा समय आएगा जब 10 में से आपको 8 रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके लिए क्या है, एक्सपीरियंस सही है, ठीक है, एक्सपीरियंस ये लगातार लगातार। और मजे एक बात क्या है पता है, ध्यान से सुनिए मैं जो बोलने वाला हूँ, हेलो अटेंशन प्लीज, बहुत काम की बात बोलने वाला हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको समय से नहीं आता है, कई लोगों को मैंने देखा है कि यार मैं तो 5 साल से 10 साल से IAS का तैयारी कर रहा हूँ, PSC की पढ़ाई कर रहा हूँ, 8 से 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक कई लोग इतना एक्सपीरियंस है 8-10 साल का, लेकिन कई लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन कोई व्यक्ति आता है जो 1 से 2 साल में क्या करता है, उस परीक्षा को पास कर लेता है, तो वहां साल से मतलब नहीं है, आपका एक्सपीरियंस आपके साल से नहीं पता चलेगा, आपका एक्सपीरियंस चलता है, पता चलता है आपके पढ़ाई से, पता चलता है कि आपने 2 साल में ज्यादा पढ़ाई कर लिया भैया तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, आप 10 साल थोड़ी जरूरत है आपको, 2 साल में ज्यादा पढ़ाई करना मतलब ज्यादा इन्विटेशन, ज्यादा फॉलोअप तो ज्यादा रिजल्ट, तो ज्यादा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के लिए समय का मायने नहीं रखता, अभी जो 2 साल से कर रहे हैं उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस आप 2 महीने में ले सकते हो, बस शर्त ये है कि आपको उससे ज्यादा मेहनत करने के पड़ेगा, 2 साल का मेहनत आपको 2 महीने में करना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा, यार सिंपल फंड है, और ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा तो ज्यादा पैसा आएगा, सिंपल फंड है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस आपको होते रहेगा जब आप ज्यादा काम करोगे, तो समय बिताने से एक्सपीरियंस नहीं आएगा, मैंने बताया ना कितने साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का। कई लोग मिलते हैं ना, हमको 10 साल हो गया इस इंडस्ट्री में, हमको 15 साल हो गया, लेकिन कितना कमाए हो, कुछ नहीं, बस बेचे बसे हैं, लिए कुछ नहीं है, ठीक है, वो भी एक्सपीरियंस कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्सपीरियंस करने से आएगा, बैठने से नहीं आएगा। उसके बाद अगला ही है एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपीरियंस आ जाता है, तब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सफल बनाने के लिए जरूरी है, वो है एथिक्स। जब तक आप एथिक्स फॉलो नहीं करोगे, नियम और नीति से नहीं चलोगे, नीति नियम से नहीं चलोगे, ठीक है, जब आप सही तरीके से काम नहीं करोगे तो आप कितना भी एक्सपर्ट हो जाओ, एक ना एक दिन अपना गड्ढे में जाने वाले हो, फेल होने वाले हो, खत्म होने वाले आपका बिजनेस, ठीक है। कई लोग अनएथिकल काम भी करते हैं, अनएथिकल काम मतलब क्या, कई लोग आईडी ले लेते हैं और घुमाते रहते हैं, आईडी मिल गया तो तुरंत लगाओ भाई, क्योंकि जो जो यार आप अपने लिए नहीं चाहते ना, वो दूसरों के साथ मत करो, करना नहीं है। अगर आपको कोई बोला है ना कि आईडी लगाना है करके, नहीं तो आदमी कब निगेटिव हो जाएगा, कब किससे टकरा जाएगा नहीं पता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एथिक्स फॉलो करना है, तुरंत अगर कोई बोला है भैया पैसा दिया, तुरंत आप रजिस्ट्रेशन करा, आप तो वॉलेट सिस्टम है, ठीक है, अपने सीनियर से बात करके वॉलेट लो,
जितना जल्दी आप आईडी लगाते हो ना, उतना जल्दी लोग ना पॉजिटिव होते हैं और उतना ज्यादा वो आदमी एक्टिव होता है। और आप लेट करोगे ना कोई किसी ना किसी से टकराएगा। मेरा कई कई बार ये एक्सपीरियंस मैंने दिया है, अपन लगाने में लेट किए हैं उसके चक्कर में वो लोग ना आईडी लगा ही नहीं पाते, उसके बाद परमानेंट निगेटिव, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे फिर नहीं तो। ठीक है, और नियम और नीति में क्या है, ये नियत, आपका नियत साफ होना चाहिए। ठीक है, इस बिजनेस में काम करने का फंडा ये कि आपका नियत साफ होना चाहिए। आप किस नियत से इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या लोगों को किस नियत से इस बिजनेस को बता रहे हैं बहुत मायने रखते हैं। देने का नियत है कि लेने का नियत है, ठीक है, आप किस नियत से लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, आपका नियत क्या है बताने का। अगर आप इस नियत से बता रहे हैं कि यार मैं इस बिजनेस को इसको बताऊंगा तो इसकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप बहुत अच्छा एथिकल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार इसके आने से मेरी जिंदगी बदलेगी, इससे 3,000 ले लूंगा, 500 रुपये कमा लूंगा, 338 रुपये आ जाएगा, अगर इस नियत से काम करो तो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है, और किसी से उधार लेन देन मत करे, सीनियर से रहे चाहे जूनियर से रहे, ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक और बहुत खराब चीज है, आपके बिजनेस को निपटाएगा। एथिकल काम करे, किसी को गलत वादा नहीं करना है, गलत प्रॉमिस नहीं करना है कि यार आ जा यार तेरे नीचे मैं 2 लगा दूंगा, ठीक है आ जा तेरे 1 लेख मैं चलाता हूँ करके, ये अनएथिकल काम है, आप बहुत लंबे से फंसने वाले हो आगे चल के। ठीक है, और अगर आपको ये उम्मीद लेकर लाया गया है तो उस उम्मीद को छोड़कर आप अपने उम्मीद में काम करेंगे, ठीक है, नहीं इतना उम्मीद हो जाएंगे फिर पूरा और रिलेशन खराब होता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, एथिक्स में काम करना है। उसके बाद मेहनत बहुत जरूरी है, किस्मत आजमाने के लिए काम नहीं करना है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं और किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं और इसको गाली दे रहे हैं, उसको दोष दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को दोष दे रहे हैं, सीनियर को दोष दे रहे हैं, लोगों को दोष दे रहे हैं, यार लोग बात सुनते नहीं करके, भाई बात कैसे नहीं सुनेंगे, बाकी दुनिया से कहाँ से आ रहे हैं इतने लोग, दूसरे लोगों कैसे पेमेंट मर रहे हैं, क्या उनके अंदर जादू का छड़ी लगा है क्या, क्या अलग से उनका 2-4 सींग लगा है, कुछ भी अलग नहीं है, तो उनके साथ लोग कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, सोचो आपके साथ क्यों लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सोचने का बात है ना, मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही गड़बड़ी चल रहा है, नहीं दूसरे के साथ लोग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं यार बताओ, दूसरा क्या उसको अलग से अलग तरीके से इन्वाइट करता है, कैसा रहेगा, तो भी लगा रहे हैं, कैसा रहे आप भी लगा रहे हो, और आपके साथ अगर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं मतलब आप समझ जाओ कि किस्मत आजमाने के लिए काम कर रहे हो, आ गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई मतलब नहीं, ठीक है आ गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर छत्तीसगढ़िया, ठीक है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ध्यान रखना भैया, किस्मत आजमाने के लिए काम नहीं करना है, किस्मत बदलने के लिए क्या लगता है, हार्ड वर्क लगता है, तो मेहनत करेंगे भैया किस्मत बदलेगा, और यही एथिक्स है इस बिजनेस का। आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरा फेवरेट है, वो है एक्साइटमेंट। सातवां ई क्या है, एक्साइटमेंट। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पावर है इस चीज का, जिसके अंदर जितना एक्साइटमेंट है उतना ज्यादा उसका बिजनेस स्टेबल है, उतना ज्यादा वो इनकम ले रहा है। एक्साइटमेंट इज द पावर ऑफ की इन द सक्सेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए एक्साइटमेंट की है, चाबी है आपके बिजनेस को पावरफुल बनाने का, और जो जितना एक्साइटेड रहता है, ठीक है अभी जो जितने लोग एक्साइटेड दिख रहे हैं, कई लोग का मुंह भारी एक्साइटेड दिख रहा है, ठीक है कई लोग के चेहरे भारी एक्साइटमेंट दिख रहा है, वो लोग पैसा भी उतना कमाएंगे, और आज नहीं तो कल, ठीक है आज नहीं तो कल उनकी जिंदगी बदलेगी, और यही तो परीक्षा है भैया, इसी तो एग्जाम होता है, जब लोग मना करते हैं और आप उदास हो जाते हो तो उस परीक्षा में आप फेल हो गए, लोग मना करते हैं तो आप ज्यादा खुश होना है, अभी सीखने मिलेगा यार, फॉलोअप करने में ज्यादा सीखने मिलता है ना, तो खुश तब होना है जब लोग मना करते हैं, एक बार में हो बोल देगा ना फिर मजा भी कहाँ है। ठीक है, तो ये एक्साइटमेंट बरकरार रखना है, एक्साइटमेंट का मतलब है उत्साहित रहना इस काम को लेकर, उत्साहित क्यों रहना है यार, यहाँ लगाए क्या है सोच कर देखो, कुछ नहीं लगाए हैं और लाखों करोड़ों कमाने का मौका है, ठीक है पैसा आ जा रहा है घर बैठे काम करके, इतना जबरदस्त काम जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन जिंदगी बदल जाएगी, इतना जबरदस्त काम, इसको लेकर कितना खुश रहना चाहिए, ये काम मिला है आपको असीम कृपा से भगवान के, ठीक है इसलिए खुश रहना है, और खुश रहने वालों की जिंदगी में बहुत जल्दी बहुत सारी खुशी आती है। ठीक है, और आप सबको पता है अपने काम को लेकर हमेशा, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे मजेदार है मेरा फेवरेट पार्ट इसलिए है एक्साइटमेंट, क्योंकि जिस दिन से मुझे पता चला है कि इस बिजनेस में 90% सफल अपन कब हो जाते हैं, जब हम एक्साइटमेंट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, तो जब आप एक्साइटेड रहोगे तो आप 90% सफल होगे इस बिजनेस में, और क्या चाहिए बताओ, मैंने कहा था ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का, सातवां ही वो है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट है अगर आपके अंदर ना, तो आप इतना जल्दी सफल हो जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा लोग कहाँ कहाँ से आएंगे, भगवान आपके पास खुश है भाई, इससे आप मिलो, आदमी हर आदमी दुखी है ना, तो जितने दुखी लोग हैं ना सब आपके पास आएंगे, क्योंकि आप क्या हो, खुश हो, तो जितना खुश रहोगे ना आपको दुखी लोग मिलेंगे, और उनका दुख को दूर करने का आपको जिम्मेदारी भगवान ने दिया है, ठीक है आपको रास्ता भी दिया है, ठीक है तो एक्साइटेड रहना है, और चलिए थोड़ा यार एक्साइटेड करता हूँ, और वो एक्साइटमेंट क्या है,
ये वीकली ऑफर। जी हाँ दोस्तों, आज काफी सारे लोग, मुझे लगता है आज फर्स्ट टॉप में टॉप 10 निकल जाएंगे लग रहा है। ठीक है, एक्साइटमेंट का एक और आपको मैं जरिया देता हूँ। इस हफ्ते पूरे हफ्ते भर के अंदर एक्साइटमेंट रहना चाहिए इस चीज को लेकर। वो क्या है? वीकली ऑफर। आज से लेकर 31 मार्च तक जितने भी लोग ये क्राइटेरिया हिट करेंगे, मतलब फ्रेशर व्यक्ति, अगर आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास 26 तारीख से लेकर, मतलब आज से लेकर 31 तारीख तक का समय है, भरपूर समय है। 3,000 रुपये इनकम करना है, और 3,000 इनकम करोगे तो आपको मिलेगा 3,000 रुपये का फ्री प्रोडक्ट अपने चॉइस के हिसाब से। कैसा रहेगा? अब एक्साइटमेंट आया, ठीक है। तो इस हफ्ते पूरे एक्साइटमेंट के साथ काम करना है, और टॉप 10 लोगों को इस सिस्टम में बुलाया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा, बोलने का मौका दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये सारे क्राइटेरिया आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। गोल्ड हो तो 4,000 मात्र इनकम करना है आपके पास पूरे पर्याप्त। 31 मार्च तक समय है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो 4,000, ऐसा आपको ये क्राइटेरिया हिट करना है, और आपको मिलेगा पूरे के पूरे 3,000 रुपये का DMPL का पावरफुल प्रोडक्ट अपने चॉइस के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, और आगे चलते हैं। ये हार हो जाती है जब जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। आदमी जब मान लेता है ना कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा करके ना, तो वो हार हो ही जाता है। लेकिन जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो जीत जरूर होगा यार, क्या रखा है बताओ इस बिजनेस में भाई? कुछ भी खोने को नहीं है, फिर भी अपन क्यों नहीं करना? हिम्मत दिखाओ। हिम्मत कर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। ठीक है, आपको बस हिम्मत करना है। अगर आप हिम्मत कर गए ना, तो आपको जीतने से आप भी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि DMPL है दोस्तों, तो सब 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 आसान है। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है। तो हमने 7 E के बारे में जाना, ठीक है। और ये जो 7 E है, ये 7 E केवल यही काम नहीं आने वाला, हर जगह काम आता है। जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तब, जब आप कहीं नौकरी जॉब कर रहे हैं तब, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक है, जब तक आप एजुकेशन नहीं लोगे, जितना ज्यादा आप एजुकेटेड होगे उतना ज्यादा आपका वैल्यू बढ़ता है, सबको पता है। जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप एक्साइटेड रहोगे काम को लेकर, जिस काम को कर रहे हो वहां एक्साइटेड रहोगे तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो आज के सेशन को लेकर आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। और आज जबरदस्त ऑफर निकला हुआ है, आज से लेकर 31 मार्च तक जितने लोग ये ऑफर अचीव करेंगे, वीकली ऑफर, उनको 3,000 रुपये का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, और साथ ही साथ नैनीताल और जिम कार्बेट जाने का बहुत शानदार मौका मिला हुआ है। तो उसको जरूर हिट करना है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो 7 E के बारे में आप सबने जान लिया, ठीक है। और 7 E याद रखना है, लिख कर रखे हो। जब तक आप 7ों में से एक भी ई अगर आप मिस किए ना, तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप एंट्री नहीं किए हो तब भी सफल, आए बिजनेस में कहाँ सफल होगी।